नमस्कार, स्वागत है आपका विमला की रसोई में। आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी पंचमेवा सब्जी। आइए शुरू करते हैं। पंचमेवा में हमें चाहिए 8 से 10 मखाने, 10-12 दाना किशमिश के, 1.5 चम्मच खरबूजे के बीज, 10 काजू 2 टुकड़ों में, 10 बादाम 2 टुकड़ों में, 50 ग्राम स्वीट कॉर्न, 50 ग्राम मटर, 50 ग्राम पनीर, मीडियम साइज के 4 टमाटर, हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 तेजपात का पत्ता, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 10-12 काली मिर्च, 1/2 चम्मच साबित जीरा, 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 8 से 10 मिनी चंक्स, 2 चम्मच हमें चाहिए फ्रेश दही, 1.5 चम्मच फ्रेश क्रीम। आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम करेंगे फुल और कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। फ्राई करेंगे बादाम। बादाम काजू की हमें नमी निकाल लिए, ज़्यादा नहीं फ्राई करना। बादाम हमारे फ्राई हो रहे हैं, हम इसमें डालेंगे साथ में काजू। काजू भी हमें हल्के से फ्राई चाहिए। अब इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज, वो भी अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। खरबूजे के बीज चटकने लगे हैं, अब इसको हम प्लेट में निकाल के रखते हैं। अब हम एक फ्राई में पैन में लेंगे 1 कप पानी, करीब 250 ml, क्योंकि उसमें सोयाबीन की बड़ी और मखाने हमें भिगोने हैं, तो पानी हम गरम करेंगे। बॉल में डालेंगे मखाने और सोयाबीन की बड़ी। पानी हमारा गरम हो गया है, इसको हम डाल लेते हैं मखाने में और बड़ी में। जब तक वो सॉफ्ट होते हैं तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। गैस ऑन करके रखेंगे कढ़ाई, मैंने सेम कढ़ाई का ही यूज़ किया है। उसमें डालेंगे 2 सर्विंग स्पून तेल के, उसमें डालेंगे तेजपात का पत्ता और जीरे वाला मसाला और हल्का सा भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए टमाटर और उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। टमाटर हमें सॉफ्ट चाहिए, इसके लिए हम इसको टमाटर को 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें निचोड़ के हम मखाने और सोयाबीन की बड़ी डालेंगे और मिक्स करेंगे। टमाटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और मलाई, 1.5 चम्मच जो हमने फ्रेश निकाली थी, और दही। दही हमें खट्टा नहीं चाहिए, ताज़ा दही हो 2 चम्मच तो ज़्यादा अच्छा। अब मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम गैस बंद करके 5 मिनट ठंडा करेंगे। अब पीसेंगे मिक्सी में। हमें इसका महीन पेस्ट तैयार करना है, दरदरा पेस्ट नहीं चाहिए। जितना महीन होगा उतनी ग्रेवी अच्छी बनेगी, देखिए ऐसे होना चाहिए। अब इसको एक बाउल में उतार लेते हैं और गैस पर रखेंगे कढ़ाई और फ्लेम करेंगे लो से मीडियम, और उसमें खाना खाने वाला 1 चम्मच तेल डालना है और हरी मिर्च, हल्दी, हल्दी भी हल्की सी भून लेंगे ताकि कच्चापन उसका निकल जाए, और धनिया भी हम भूनेंगे, उसका भी हमें कच्चापन निकालना है। अब इसमें डालेंगे मटर, मटर मिक्स करेंगे और डालेंगे स्वीट कॉर्न। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था अब हम वो डालेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। अब डालेंगे इसमें किशमिश और ड्राई फ्रूट जो हमने हल्का सा फ्राई करके रखा था, मिक्स करेंगे और करीब 250 ml डालेंगे पानी, 1 कप। अब इसमें ढक के और 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि मटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। फ्रोजन मटर हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसका ढक्कन खोल के हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और पनीर। पनीर भी हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। गरम मसाले टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मैंने हल्का सा साबित मसाला भी यूज़ किया और पिसा हुआ गरम मसाला भी यूज़ किया। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं ताकि पनीर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब गैस ऑफ करके हम कढ़ाई उतार देते हैं, उसको लगाएंगे तड़का।
कसूरी मेथी का, जो हमारा एक चम्मच तेल बचा हुआ है वो डालेंगे फ्राई पैन में, और डालेंगे कसूरी मेथी। लीजिए तैयार है पंचमेवा सब्जी राइस और चपाती के साथ। आप इसको ट्राई करिए और जरूर घर में बनाइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।